हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब आशीष राठी। और आज आप देख सकते हैं जैसे मेरे हाथ में है साइड आर्म और रोबो आर्म, दोनों चीज़ें गाइस। तो आज मैं इसका कंपैरिजन आपके सामने पेश करूंगा कि आपके पास साइड आर्म रहने को ना या रोबो आर्म रहने को ना, और उसके पीछे के रीजंस बताऊंगा। मेरे पास दोनों है, इसमें एक छोटा भी आता है, उसका रिव्यू मैं बाद में बनाऊंगा गाइस। पहले आपको ये दोनों चीज़ों का कंपैरिजन बताता हूँ, इसके बारे में टेक्निक भी मैं बाद में बताऊंगा पूरे प्रॉपर तरीके से कि कैसे टेक्निकली वर्क किया जा सकता है, कैसे टेक्निकली डाला जाए। तो पहले ये रिव्यू बता देता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, आप वेट में साइड आर्म हल्का है और ये भारी है, थोड़ा सा भारी है, अच्छी बिल्ट है इसकी, थोड़ी सी मजबूत बिल्ट है। इसमें ये फ़ायदा है गाइस, साइड आर्म में आपके पास कोई एडजस्टमेंट लेयर नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर है, यहाँ देखिए आप, ये चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, शॉर्ट बॉल डालने को, आगे डालने को, पीछे डालने को, ये लेयर्स है। इससे थोड़ी सी पेस कम आएंगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, इससे थोड़ी ज़्यादा पेस आएंगी क्योंकि थोड़ा सा बिल्ट हाई है और इसका स्प्रिंग थोड़ा सा ज़्यादा अगर डालने वाला कोई अच्छा रहा तो ज़्यादा स्प्रिंग है। सिर्फ अब इसमें क्या कर सकते हैं गाइस, इसमें एक चीज़ क्यों डेवलप हुई है, क्योंकि रिस्क से जो बॉल फास्ट बॉलर का घिरता है, जो बॉलिंग होती है, तो रिस्क से उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से होने को ना, वो अपने को वो अंदाजा आने को ना, एज अ बैट्समैन अंदाजा आने को ना कि रिस्क से प्रॉपर बॉल रीड कर रहे शॉट सामने आगे पीछे। तो इसमें डिफरेंस ये है गाइस कि ये अगर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट लेयर है इसकी, तो इसमें क्या होता है गाइस कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ लीजिए शॉर्ट बॉल की, आप इसको एक नंबर पे सेट कर लीजिए, तो ये एक नंबर पे सेट होने के कारण वो शॉर्ट बॉल ही गिरेगा। तो पर्पसफुल प्रैक्टिस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, पर आपको जिस दिन अगले दिन मैच है, आपको पर्पसफुल नॉकिंग नहीं करनी है, आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बॉलर तो कोई भी बॉल डाल सकता है, सिर्फ शॉर्ट बॉल या तो गुड लेंथ का या सिर्फ यॉर्कर का, ऐसा तो है नहीं, सभी बॉल डालेंगे वो, मैच में सभी बॉल खेलने पड़ेंगे। तो उसके पहले दिन ये प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि पर एट द सेम टाइम ये कहा जाता हो कि ये कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे से डाल सकता है वो इससे डाल सकता है, अगर वो नया है तो इससे ज़्यादा अच्छे से डाल सकता है, पर जो सही में बहुत अच्छा डालता है, जिसको अच्छे से प्रैक्टिस है, वो इससे भी आपको बहुत क्वालिटी प्रैक्टिस करा सकता है। तो अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना आपको पता नहीं है कि कैसे डाला जाए, कैसे वर्क किया जाए, तो पहले ये इससे शुरुआत कीजिए और फिर इस पर मूव कीजिए, क्योंकि इसमें आपको खुद को रिस्क का इस्तेमाल करना है कि कब हाथ से छूटने को ना। यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं, ये यहाँ से छूटने को होना, ये जो एडजस्टमेंट है, जो फास्ट बॉलर करता है, यहाँ से ये जो चीज़ें एडजस्टमेंट करता है वो फास्ट बॉलर ही कर पाता है। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा स्किलफुल डालने वाला साइड आर्म डालने वाला चाहिए। तो अगर आपके पास इतना स्किलफुल प्रैक्टिस करवाने वाला कोई नहीं है, तो आप रोबो आर्म लीजिए, क्योंकि इसमें आपको स्पेसिफिक पर्पसफुल प्रैक्टिस होंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, और मुझे प्यार देते रहिए गाइस। आप दे ही रहे हैं मुझे प्यार, काफ़ी मुझे मैसेजेस मिलते हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गाइस। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लव यू ऑल।